स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3, आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट्स पढ़ना है कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट के बारे में उनकी डिटेल पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, अगर आपने कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट को समझना है तो सबसे पहले आपने एगोनिस्ट के बारे में, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ना है। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बता दिया है, उन लेक्चर्स को सुन लें और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो अपना इफेक्ट दे रही हैं। कोलिनर्जिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि एसिटाइलकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होता है तो कौन सा बायोलॉजिकल जो एक्शन है वो शो करता है। अगर उस जैसा इफेक्ट देने के लिए हम ड्रग देते हैं जो कि एसिटाइलकोलाइन के जो रिस्पेक्टिव रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होंगी, एसिटाइलकोलाइन जैसा इफेक्ट देंगी, तो वो कोलिनर्जिक का एगोनिस्ट था। अब कोलिनर्जिक के एगोनिस्ट के बारे में, डायरेक्ट एक्टिंग के बारे में और इनडायरेक्ट एक्टिंग के बारे में, जो कि एसिटाइलकोलाइन जैसा इफेक्ट देने की कोशिश करती है ड्रग्स, उनके बारे में पढ़ चुके हैं इस लेक्चर्स के अंदर हमने। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ना है, ये सीखना है कि कोलिनर्जिक का जो एंटागोनिस्ट है वो क्या है। यानी एगोनिस्ट तो वो था जो कि एसिटाइलकोलाइन की तरह का काम कर रहा था बॉडी के अंदर, और अब हमने इन लेक्चर्स के अंदर कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है कि वो जो एसिटाइलकोलाइन का एक्शन था उसको इनहिबिट कैसे किया जा रहा है और कौन कौन सी ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक इफेक्ट को इनहिबिट कर रही है या कम कर रही है। ऐसी ड्रग्स को हम कहेंगे कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट, यानी कोलिनर्जिक के उल्ट काम करने वाली। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सिंपैथोमिमेटिक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक करती हैं, और इसके अंदर हमने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है कि ये पैरासिंपैथोलाइटिक हैं, यानी पैरासिंपैथिक की मिमिक नहीं करती बल्कि उसको ब्रेक डाउन करती हैं, यानी उस सेक्शन की को ब्रेक डाउन करती हैं। तो इस जो कोलिनर्जिक का एंटागोनिस्ट की इससे प्रीवियस लेक्चर में कुछ डिटेल पढ़ी थी, आज जो ड्रग है हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की, वो ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, मेकामाइल अमाइन के बारे में कि वो किस तरह से जो है वो कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलाइन को इनहिबिट करती थी और उसको कोलिनर्जिक एक्शंस को रोक रही थी, एसिटाइलकोलाइन की बाइंडिंग साइट पे खुद बाइंड हो रही है और एसिटाइलकोलाइन को अपना काम करने नहीं दे रही। ये इसके मेकामाइल अमाइन के बारे में या कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बताया था कि दो रिसेप्टर हैं उसके, एक तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है उसका और दूसरा जो उसका रिसेप्टर है वो जो है मस्करैनिक रिसेप्टर्स है। अब स्टूडेंट्स, इन ड्रग्स के बारे में हमने एसिटाइलकोलाइन, ये जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं, इनके बारे में पढ़ा था कि ये दोनों रिसेप्टर्स पे जाके एसिटाइलकोलाइन को इनहिबिट करती हैं ताकि एसिटाइलकोलाइन अपना प्रॉपर फंक्शन ना कर सके, अपना बायोलॉजिकल फंक्शन ना दे सके, जिसकी वजह से हमने इनको कहा था कि ये ड्रग्स जो हैं ये एसिटाइलकोलाइन के एंटागोनिस्ट हैं, यानी कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट हैं। तो मेकामाइल अमाइन की बात करें तो ये मस्करैनिक, स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके जो एसिटाइलकोलाइन की को काम करने से रोकती है, इनहिबिट करती है, किस तरीका से ये काम करने कर रही है और किस तरह से एसिटाइलकोलाइन को इनहिबिट कर रही है ताकि वो अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो ना करें। तो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेकामाइल अमाइन गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है, ये हमने पढ़ा था इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी। एक तो ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है क्योंकि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है। इसे अगली प्रेजेंटेशन के अंदर हम उस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं गैंग्लियन के बारे में ही बता दूं कि इसको गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने कई दफ़ा ये रफ से डायग्राम में आपको बताया है कि एक प्री सिनेप्टिक नर्व है और दूसरा है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। पहले वाला नर्व जो है प्री सिनेप्टिक नर्व है जिससे एसिटाइलकोलाइन ने रिलीज होना है, न्यूरोट्रांसमीटर ने रिलीज होना है। दूसरा नर्व है जो इसके साथ बिल्कुल अटैच नहीं है बल्कि कुछ फासले पर है, उसको हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। जब एसिटाइलकोलाइन प्री सिनेप्टिक नर्व से रिलीज होती है तो ये एक गैप के अंदर आ जाती है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स और प्री सिनेप्टिक नर्व्स के जंक्शन जहाँ पे बन रहा है उनके अंदर एक गैप है। उस गैप को स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ये साइनैप्स है। अब साइनैप्स के बारे में एक और आपको बात बता दूं कि इसको हम जब एक नर्व का एग्जॉन और दूसरे का जो सेल बॉडी है वो आपस में जुड़ रही हो और दरमियान की जो खाली जगह हो उसको हम कहते हैं साइनैप्स।
और गैंग्लियन के बारे में, इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था कि गैंग्लियन बहुत से नर्व सेल्स के जब एग्जॉन और बहुत से नर्व सेल्स के जो सेल बॉडी हैं एक क्लस्टर्स की सूरत में जहाँ पे अटैच हो रहे होते हैं उसको कहते हैं गैंग्लियन। ये स्टूडेंट्स जो स्ट्राइलकोलिन है, स्ट्राइलकोलिन का जो रिसेप्टर है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, वो इन गैंग्लियन पे जो पोस्टसिनेप्टिक नर्व्स है उसके उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, गैंग्लियन के ऊपर। यानी ये जो ड्रग है मिकामाइल अमाइन, इसको गैंग्लियोनिक ब्लॉकर इस वजह से कहेंगे कि ये गैंग्लियन के ऊपर प्रेजेंट स्ट्राइलकोलिन का निकोटिनिक रिसेप्टर जो है उस निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से स्ट्राइलकोलिन अपना इफेक्ट नहीं देंगी, तब हम कहेंगे कि ये जो ड्रग है मिकामाइल अमाइन ये एंटागोनिस्ट है स्ट्राइलकोलिन की, या कोलिनर्जिक की एंटागोनिस्ट है और काम कहाँ पे करती है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है। यानी गैंग्लियन पे जो नर्व्स का सिग्नल है उसको, जो न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्राइकोलिन ने सिग्नल देना है उसको ही ब्लॉक कर देती हैं। तो कीवर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, इनको जानते हैं, उसके बाद ये इस डायग्राम की तरफ आएंगे कि किस तरह से जो हो मिकामाइल अमाइन जो है स्ट्राइकोलिन को किस तरह से इनहिबिट करती है ताकि स्ट्राइकोलिन अपना इफेक्ट ना दे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, स्पेसिफिकली एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स मिकामाइल अमाइन्स जो है, ये ड्रग जो है ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है और स्पेसिफिकली ये निकोटिनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है। आपको पता है कि बॉडी के अंदर बहुत से रिसेप्टर्स हैं जो कि लिगेंड सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स के या ड्रग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स हैं, और जो हर ड्रग या हर सिग्नल मॉलिक्यूल है वो हर रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड नहीं होता, हर रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक नहीं करता, उसकी स्पेसिफिसिटी होती है कि उसने किस मखसूस रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होना है। सो इसका जो मखसूस और स्पेसिफिक रिसेप्टर है स्टूडेंट्स वो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मिकामाइलामाइन का निकोटिनिक रिसेप्टर्स है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स स्टाइलकोलिन का रिसेप्टर्स है जहाँ पे जाके स्टाइलकोलिन बाइंड होती थी और बायोलॉजिकल एक्शन देती थी। अब ये स्टाइलकोलिन को हटाकर वहाँ पे बाइंड होती है मिकामाइल अमाइन और स्टाइलकोलिन को अपना इफेक्ट नहीं करने देती। सो ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती है, अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है स्टूडेंट्स इस पे बाइंड होके ये पैरासिम्पैथेटिक बी इफेक्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स पे भी जाके बाइंड होती है, सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स पे भी बाइंड होती है और ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर जो ये इनके रिसेप्टर्स स्टाइलकोलिन के प्रेजेंट है उनके ऊपर भी जाके बाइंड होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा जो कीवर्ड्स है वो है हमारे पास ब्लॉक इंटायर आउटपुट ऑफ एएनएस ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जो कि ये पैरासिम्पैथेटिक जो इसके रिसेप्टर्स हैं उसको भी ब्लॉक करती है, सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है और ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनको भी ब्लॉक करती है। सो ये तमाम का तमाम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स रेयरली यूज इन थेरेपेटिकली, यानी इसका जो थेरेपेटिक यूज है, इसका जो मेडिसिनल यूज है वो बहुत कम है। उसके बाद यूज इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, कुछ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के अंदर इसका यूजेस है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो अगला इसका पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप यहाँ पे आपने समझना है कि मिकामाइल अमाइन जो एक रिसेप्टर्स को, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को का ब्लॉकिंग एजेंट है, वो अपना वर्क जो है वो कैसे कर रहा है ये हमें समझना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, गैंग्लियन के बारे में बताया कि प्रीसिनेप्टिक नर्व्स और पोस्टसिनेप्टिक नर्व्स के दरमियान की जो खाली जगह है साइनैप्स है, जो बहुत से नर्व्स के एंडिंग पॉइंट और उनकी सेल बॉडी आपस में जहाँ पे एक जंक्शन बना रहे होते हैं उसको कहते हैं गैंग्लियन, और गैंग्लियन के ऊपर ही सेल बॉडी जो पोस्टसिनेप्टिक नर्व्स हैं इनके ऊपर ही ये निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सो ये यहाँ पे गैंग्लियन से ऊपर आके इस रिसेप्टर्स को बाइंड करती हैं। फर्ज करें ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो पहले समझ ले कि ये काम कैसे करती है। कम्पीटेटिव निकोटिनिक ब्लॉकर्स, ये कम्पीट करती है स्टूडेंट्स। कम्पीटेटिव का वर्ड जब भी आएगा तो ये बात जहन में बिठा लें कि ये कम्पीट कर रही है, किसको कम्पीट कर रही है, जिसके साथ ये काम कर रही है, मुकाबला भी कर रही है। मुकाबला कैसे करती है अभी बताता हूँ। कम्पीट
कंपिटेटिव निकोटिनिक ब्लॉक ऑफ द गैंग्लियन गैंग्लिया गैंग्लियन पे जाके जो है ये कंपीट करके ब्लॉक करती है। ब्लॉक किसे करती है? निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और कंपीट सुन लो, इसको हम कब कैसे इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करें आप एक जो है कोलिनर्जिक इफेक्ट नॉर्मल हो रहा है, ये रिसेप्टर्स है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब स्टूडेंट्स इस निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ पहले जो थी वो स्टाइलकोलीन बाइंड थी इस साइड पे। स्टाइलकोलीन की बाइंडिंग की वजह से जो हमें इफेक्ट मिल रहा था पैरासिम्पैथो माइमेटिक का इफेक्ट मिल रहा था, और वो जो इफेक्ट था वो स्टाइलकोलीन का बायोलॉजिकल इफेक्ट था, यानी वो कोलिनर्जिक इफेक्ट था। स्टाइलकोलीन पहले अपने रिसेप्टर से बाइंड थी और अपना कोलिनर्जिक इफेक्ट दे रही थी। अब इसने कंपिटेटिवली निकोटिनिक रिसेप्टर को कैसे ब्लॉक करना है? जैसे ही बॉडी के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मैकामाइल अमाइंस जो है ये उसका डायग्राम बनाया है कि जैसे ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होगी स्टाइलकोलीन से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर स्टाइलकोलीन का पहले बाइंड था यहाँ पे आके उसको स्लिप करेगी, यहाँ पे आके उसके साथ मुकाबला करेगी, कंपीट करेगी और उसे इस बाइंडिंग साइट से हटा देगी। नतीजतन इस बाइंडिंग साइट से जो स्टाइलकोलीन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड था वो हट जाएगा इसके कंपीट करने की वजह से, और खुद आके बाइंड हो जाएगी। यानी किसी ने अब एक अगर आप जा रहे हैं बैंक के अंदर, आपने एक फॉर एग्जांपल चलान ही अपना पे करवाना है, तो कोई आपने आपकी बारी आप बिल्कुल वहां लाइन में खड़े हैं और आप चलान पे करने वाले हैं कि एक बंदा आया उसने आपको धक्का लगा दिया, आपको धक्का लगा के उस जगह पे जहां पे आप खड़े थे वो खुद खड़ा हो गया और वो अपना काम शुरू कर दिया। सो ऐसा ही मैकामाइल अमाइन का काम है कि ये कंपिटेटिवली स्टाइलकोलीन को कंपीट करते हुए इस रिसेप्टर से किकआउट करती है, स्लिप करती है, साइड पे हटाती है और खुद आके इसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है। अब वजह क्या है स्टूडेंट्स कि जब ये स्टाइलकोलीन के रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई तो स्टाइलकोलीन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन था, फिजियोलॉजिकल फंक्शन था, अब वो नहीं मिलेगा, पैरासिम्पैथिक माइमेटिक नहीं होगी उसकी। ज़्यादा देर तक ये जो है स्टाइलकोलीन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड रहेगी और ये अपना कोई भी एक्शन शो नहीं करेगी। अगर स्टाइलकोलीन बाइंड होती तो अपना फार्माकोलॉजी अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन देती, और इसने स्टाइलकोलीन को जो है वो काम ही नहीं करने दे रही, धक्का लगा के साइड पे कर दिया है और खुद इसकी जगह पे बाइंड हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब वो स्टाइलकोलीन का कोलिनर्जिक इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कंपिटेटिव निकोटिनिक ब्लॉकर है, कंपिटेटिवली एंटागोनिस्ट है, स्टाइलकोलीन का एंटागोनिस्ट है, स्टाइलकोलीन के अगेंस्ट काम कर रहा है और स्टाइलकोलीन को काम करने ही नहीं दे रहा। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी फार्माकोनेटिक्स के बारे में। फार्माकोनेटिक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट डज बॉडी डू विद आवर ड्रग, हमारी बॉडी जो है हमारे ड्रग के साथ क्या अमल करती है, क्या रिएक्ट उसको देती है, उसको कहते हैं फार्माकोनेटिक्स। फार्माकोनेटिक्स इसका बॉडी में क्या है, गुड ओरल ऑब्जर्प्शन, इसकी ओरल ऑब्जर्प्शन बहुत ज़्यादा है, GIT के जरिए जो है ये इसकी ऑब्जर्प्शन हो जाती है, सो ओरल रूट से इसको दिया जा सकता है। उसके बाद अगर सिंगल डोज इसकी दे दी जाए तो इसका इफेक्ट जो है ये 10 आवर तक होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स थ्रोपेटिक यूज जो है एमरजेंसी सूरत में ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इसका थ्रोपेटिक यूजेज है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली ड्रग जो है हमारे पास वो किस तरह से जो है, ये हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ा था, स्टाइलकोलीन के कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में, और अगली जो हमारी ड्रग होगी वो होगी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, और देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो ड्रग है वो किस तरह से स्टाइलकोलीन के जो रिसेप्टर्स है उस पर बाइंड होके जो है वो उसके एक्शन को, स्टाइलकोलीन के एक्शन को कैसे इनहिबिट कर रही है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।